बड़ी खबर रुड़की से, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के घर पर एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ ने चैंपियन के घर की कई कारों को बर्बाद कर दिया, साथ ही फर्नीचरों को भी नुकसान पहुंचाया, और ये सब हुआ एक अफवाह के कारण। रुड़की से देखिए कुमार कुंदन की रिपोर्ट। टूटी फूटी कारें, जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे कांच के टुकड़े, चारों तरफ बर्बादी के निशान। ये तस्वीरें हैं रुड़की के लठौरा गांव की, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के घर पर दर्जनों लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि हमले के वक्त प्रणव सिंह चैंपियन और उनका परिवार घर में मौजूद नहीं था, लेकिन हमलावरों ने उनके घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की, कई कारों को चकनाचूर कर दिया, कई गाड़ियों में आग लगा दी और अहाते में रखे एक एक फर्नीचर को बर्बाद कर दिया। इस हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया है और धारा 144 लगा दी गई है। ये वो जगह है जो कुंवर चैंपियन सिंह का महल बताया जाता है। बताया क्या जाता है, इस महल में यहीं पे वो रहते हैं और यही उनकी रियासत है। लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक तनाव पैदा हुआ, और तनाव पैदा होने के बाद कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों ने आकर पूरे महल में तोड़फोड़ की। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, कैसा यह महल है। आप सबसे पहले जब लोग घुसे तो वो महल में घुसने की कोशिश किए और मेन गेट से इसी ट्रैक्टर से, जो सामने वाला ट्रैक्टर है उससे मुख्य जो दीवार है, जो दीवार का कमरा है उसको तोड़ने की कोशिश की, और इसका जो पूरा इलाका है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरीके से धराशायी करने की कोशिश की। उसके बाद ठीक बगल में जो दूसरी जगह है वहाँ भी उन्होंने, जहाँ पे कुंवर चैंपियन बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, उस जगह को भी पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना भी लोगों से हो सकता था उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। घटना कल दोपहर करीब 2 बजे की है, जब अचानक उन्मादी भीड़ प्रणव सिंह के घर बाहर जमा हो गई। बाहर की भीड़ देखकर घर में मौजूद लोग छिप गए तो भीड़ दीवार कूदकर घर के अंदर घुस आई और तोड़फोड़ करने लगे। यहाँ पे दोपहर के टाइम पूरी पब्लिक सामने जो टीन की शेड है वहाँ सीढ़ी लगा के उसके ऊपर से चढ़ के अंदर आई। जो मेन गेट इसका दूसरा है उसका ताला तोड़ के पूरा मुंह अंदर आया। आते साथ ही गाड़ियों में उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। कोई, क्योंकि यहाँ पे जो 4-5 हमारे आदमी थे वो अपनी जान बचा के ऊपर महल में चढ़ गए, अंदर से गेट लगा लिया, ट्रैक्टर स्टार्ट करके उन्होंने मेन गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से गेट नहीं टूटा। उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ पे तोड़फोड़ मचाई। दरअसल ये पूरा मामला एक दुकान के जबरन खाली कराने से जुड़ा था जो प्रणव सिंह चैंपियन के रिश्तेदार की है। आरोप लगा कि इस दुकान को खाली कराने के दौरान वहां रखे धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया गया। ये बात फैलते ही हंगामा शुरू हो गया और कुछ लोगों ने प्रणव सिंह के घर पर हमला कर दिया। उत्तराखंड के इतिहास में, देवभूमि के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ेगा। एक लोक सेवक के घर पर, उसके ऊपर जानलेवा हमला प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लिया। हमारे पूर्वजों का लंडौरा रियासत का इतिहास रहा, धार्मिक सौहार्द निरपेक्षता का, धार्मिक निरपेक्षता का इतिहास रहा है, और आज हरीश रावत जैसी तुच्छ मानसिकता के लोग ये कहते हैं कि हमने कुरान शरीफ को नुकसान पहुंचा दिया, हमारे बड़ों ने ऐसा कर दिया, घृणित बात है। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया बेहद हैरान करने वाला था। आरोप है कि जब प्रणव सिंह के घर से पुलिस को फोन किया गया तो उन्होंने इलाके के विधायक को पहचानने से ही इनकार कर दिया। पुलिस की लापरवाही है, पुलिस 3 घंटे लेट पहुंची। 2:18 में मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को फोन किया, 2 बार फोन किया, लेकिन इंस्पेक्टर कोतवाली ने रिसीव नहीं किया। जब वो तोड़फोड़ कर रहे थे 100 नंबर पे मैंने अपने मोबाइल से फोन किया, तो मैंने कहा मैं रंग महल से बोल रहा हूँ, तो को प्रणव सिंह चैंपियन के यहाँ से, तो कह रहे कौन कुंवर से प्रणव सिंह चैंपियन, कहाँ से बोल रहे हैं आप। पुलिस जब तक पहुंची तब तक भीड़ काफी नुकसान कर चुकी थी। हालांकि अब माहौल बिगड़ता देख इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।